हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉलम एंड कॉलम बेसिस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे उसको हम लोगों ने देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी उसका PDF होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का है जो हमारा ड्राइंग नंबर 3 है, कॉलम बीम कनेक्शन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कॉलम बीम कनेक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी आपका MCQ बनता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉलम बीम कनेक्शन। दोस्तों, जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है, बड़े होते हैं, जो बड़ी स्टील स्ट्रक्चर होता है उसको क्या होता है, हम लोग सिंगल सेक्शन में नहीं बना सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, सिंगल सेक्शन में बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो उसको हम बहुत सारे सेक्शन को क्या करते हैं, फ्रेम्ड करके आपका सिंगल या मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका वर्टिकल मेंबर भी होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर भी होता है। इसमें आपका बहुत सारे फोर्स आते हैं, चाहे वो एक्सियल हो, कंप्रेसिव हो, टेंशन फोर्स हो। उसको क्या होता है, कॉलम के माध्यम से वो हमारा ट्रांसफर होते हुए सबसॉइल पे जाता है, वहां से आपका लोड ट्रांसमिट हो जाता है नीचे। अब दोस्तों, इसमें जो हमारा कॉलम होता है और बीम होता है, इसको हम लोग क्लीट एंगल के माध्यम से, रिवेट या बोल्ट के माध्यम से ज्वाइंट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम बीम कनेक्शन। कनेक्शन जो होता है दोस्तों, कई प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके रोटेशन के हिसाब से देखें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, सेमी फ्लेक्सिबल होता है और एक रिजिड कनेक्शन होता है। इसी तरह हमारा सीटेड कनेक्शन होता है एंड फ्रेम्ड कनेक्शन होता है। तो हम लोग इससे कॉलम बीम कनेक्शन से रिलेटेड जो MCQ बनते हैं उसको हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है बीम संयोजन के लिए निम्न में से किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो बीम और बीम का कनेक्शन होता है, एक किस कनेक्शन मतलब किस संयोजन का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए है, कह रहा है आघूर्ण प्रतिरोध संयोजन। ऑप्शन बी है इन संयोजन। ऑप्शन सी है साधारण संयोजन। ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स संयोजन। तो दोस्तों, जो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि साधारण संयोजन जो होता है इसमें आपका फ्लेक्सिबल संयोजन भी आ जाएगा, एंगल संयोजन भी आ जाएगा, क्लीट संयोजन भी आ जाएगा। तो ये हमारे जो होंगे सब साधारण संयोजन के अंतर्गत आते हैं। तो बीम बीम संयोजन के लिए हम लोग साधारण संयोजन का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दृढ़ संयोजन स्थानांतरण करता है। हमारा जो रिजिड कनेक्शन होता है वो ट्रांसफर करता है मोमेंट को, एक्सियल फोर्स को या शियर फोर्स को। यहाँ ऑप्शन ए है, कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड अर्थात मोमेंट और एक्सियल फोर्स को। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली फर्स्ट अर्थात मोमेंट को केवल। ऑप्शन सी है सेकेंड एंड थर्ड एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स को कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अर्थात मोमेंट, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि जो हमारा रिजिड कनेक्शन होता है वो आपका मोमेंट भी और एक्सियल फोर्स शियर फोर्स तीनों को ट्रांसफर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लचीले संयोजन फ्लेक्सिबल कनेक्शन का अभिकल्पन किया जाता है। जो हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है वो किसके लिए अभिकल्पन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है कर्तन बल के लिए, ऑप्शन बी है आघूर्णों के लिए, ऑप्शन सी है एक्सियल फोर्स के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है वो कर्तन बल के लिए अभिकल्पन किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है दोस्तों वो क्या होता है, इन पे क्या होता है, फ्री होता है, वो रोटेट कर सकता है, बेंडिंग कर सकता है। और इस पे जो होता है फोर्स जो रजिस्ट करता है वो कर्तन बल का रजिस्ट करता है फोर्स को, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है कर्तन बल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्लिप एंगल संयोजन का अभिकल्पन किया गया है। जो हमारा क्लिप एंगल होता है वो किसके लिए अभिकल्पन किया गया। ऑप्शन है बड़ा सिरा कर्तन तथा छोटा सिरा आघूर्ण स्थानांतरण के लिए। ऑप्शन बी है केवल बड़ा सिरा कर्तन स्थानांतरण के लिए। ऑप्शन सी है केवल छोटा सिरा आघूर्ण स्थानांतरण के लिए। ऑप्शन डी है बंकन आघूर्ण को स्थानांतरण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बड़ा सिरा कर्तन तथा छोटा सिरा आघूर्ण स्थानांतरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ब्रेकेट संयोजन के लिए
कौन सा कथन सत्य है जो हमारा ब्रैकेट कनेक्शन होता है, इसके लिए कौन सा राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए किसी भी अन्य संयोजन की तुलना में अधिक कठोर होता है। ऑप्शन बी निर्माण लागत में कम है। ऑप्शन सी बोल्ट की संख्या को कम करने के लिए। ऑप्शन डी संरचना को सौंदर्य रूप देने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेकर संयोजन होता है वो अन्य प्रकार के संयोजन होते हैं, चाहे वो क्लीट हो, हिंगल संयोजन हो, फ्लेक्सिबल संयोजन हो, इन सबसे क्या होता है कठोर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य जो भी आपके कनेक्शन होते हैं उससे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए कठोर संयोजन निर्माण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए गर्डर द्वारा समर्थित फिक्स्ड बीम। ऑप्शन बी है गर्डर द्वारा समर्थित ओवरहैंगिंग बीम। ऑप्शन सी है गर्डर द्वारा समर्थित कैंटिलीवर बीम। ऑप्शन डी है ओवरहैंगिंग बीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गर्डर द्वारा समर्थित कैंटिलीवर बीम, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में दोस्तों हम लोग जो हमारा संयोजन होता है वो हम कठोर करते हैं, नहीं तो अगर हम कठोर नहीं फ्लेक्सिबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा संरचना हमारा फेल हो जाएगा, वहां पे हम लोग रिजिड कनेक्शन का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन वर्गीकृत किया गया है, जो हमारा रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन होता है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ए कह रहा है इक्वल एंगल, बी कह रहा है अनइक्वल एंगल, ऑप्शन सी है कि बल्ब एंगल, ऑप्शन डी है ऑल द एबम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल द एबम, क्योंकि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है दोस्तों जो हमारा ये सब है ये आपका रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन ही है, ये आपका क्या है इक्वल है, क्योंकि इसके दोनों लेग जो हैं वो आपके इक्वल लेंथ के हैं। मान लीजिए अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है एल इज इक्वल टू, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका जो है अनइक्वल, इसका लेंथ कुछ और होगा, इसका लेंथ कुछ और होगा, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और ये बल्ब एंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लग एंगल का उपयोग क्या है। यहाँ कंडीशन दिया है यूज्ड विथ सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज्ड विथ डबल एंगल मेंबर। ऑप्शन सी है यूज्ड विथ चैनल मेंबर। ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं लग एंगल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए मान लीजिए आपका कोई ये एक गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट आपको बताए थे जब हम ट्रस पर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ट्रस में बहुत सारे मेंबर होते हैं, कि जहाँ पे जंक्शन पे आके मिलते हैं सभी मेंबर को वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गसेट प्लेट के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए ये आपका गसेट प्लेट है, अब इस पर कोई आपका एंगल लगा हुआ है, मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से एंगल लगा हुआ है, ये आपका एक एंगल है। अब मान लीजिए एंगल पे आपका अगर ये टाई है तो इस पर टेंशन फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा तो इसको गसेट को हम लोग क्या करते हैं रिवेट के माध्यम से जोड़ते हैं। अब मान लीजिए इस पर इतना फोर्स आ रहा है कि ये दो रिवेट जो हैं वो इस टेंशन फोर्स को बियर ना कर पाए, इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग लेग एंगल का प्रयोग करके और रिवेट को लगा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ से इसको अटैच करके एक लेग एंगल का उपयोग करके यहाँ भी रिवेट लगा देंगे, अब क्या हो गया ये चार रिवेट हो गया, अब इस पे जो फोर्स आएगा वो इसको रजिस्ट कर लेगा, तो यहाँ पे हम लोग लग एंगल का उपयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों इसको अगर हम इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका ये आपका क्या है एंगल है, ये आपका है लग एंगल, इसको हम लोग रिवेट के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है ऑप्शन यूज्ड विथ सिंगल एंगल मेंबर, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, और कह रहा है ऑप्शन डी नॉट यूज्ड विथ डबल एंगल मेंबर, तो ये तो ऑप्शन ये भी सही है, क्योंकि जो हमारा डबल एंगल मेंबर होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें हम लोग दोस्तों इसी तरह से आपका क्या होता है डबल एंगल मेंबर होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसमें जो हमारा लग एंगल होता है उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा कह रहा है यूज्ड विथ चैनल मेंबर, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि चैनल मेंबर जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा अगर हम इसको दोस्तों क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम लोग लग एंगल का उपयोग कर सकते हैं, इसी तरह इस साइड भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें
यूज्ड विद चैनल मेंबर में भी लग एंगल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल्ट किसके लिए सबसे उपयुक्त है? जो हमारा बोल्ट कनेक्शन होता है वो किसके लिए उपयुक्त है? शीयर के लिए, बेल्डिंग के लिए, एक्सियल के लिए, शीयर एंड बेल्डिंग के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एक्सियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कुर्सी संयोजन में कॉलम बीम को संयोजित किया जाता है। जो हमारा सीटेड कनेक्शन होता है उसमें कॉलम बीम को संयोजित किया जाता है, कॉलम के वेब को बीम के फ्लेंज के साथ। ऑप्शन बी है कॉलम के फ्लेंज को बीम के फ्लेंज के साथ, ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए जो ऑप्शन ए है कह रहा है कॉलम के वेब को बीम के फ्लेंज के साथ, तो कॉलम का वेब क्या होगा, ये आपका देख रहा है जो ये कॉलम का वेब है और ये जो है ये क्या है, बीम का फ्लेंज है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब क्या कह रहा है कॉलम के फ्लेंज को बीम के फ्लेंज के साथ, तो ये आपका जो दिख रहा है ये कॉलम का क्या है, फ्लेंज है, क्योंकि कॉलम जो होता है हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये इसका फ्लेंज है। तो क्या कह रहा है कॉलम के फ्लेंज को बीम के फ्लेंज के साथ, तो इसका जो राइट आंसर है ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ आपको फ्लेंज एंगल के माध्यम से जोड़ दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ढांचेदार संयोजन में कॉलम बीम को संयोजित किया जाता है। जो हमारा फ्रेम्ड कनेक्शन होता है उसमें कॉलम और बीम को कनेक्शन किया जाता है, कॉलम के वेब को बीम के फ्लेंज के साथ। ऑप्शन बी है कॉलम के वेब को बीम के वेब के साथ, ऑप्शन सी है कॉलम के फ्लेंज को बीम के फ्लेंज के साथ, ऑप्शन डी जो है कॉलम के फ्लेंज को बीम के वेब के साथ। ये जो दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप फिगर में ये हमारा कॉलम का फ्लेंज है और ये जो दिख रहा है दोस्तों ये हमारा क्या है, बीम का वेब है। तो ये बीम का वेब हो जाएगा, कॉलम का फ्लेंज हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कह रहा है जालक छड़ का तनुता अनुपात कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। जालक छड़ मतलब बोले तो लेजिंग बार। अब लेजिंग बार दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था, एक बार फिर बता देते हैं। लेजिंग छड़ क्या होता है, जब हमारा कोई मान लीजिए आपका कंप्रेसिव मेंबर है वो लोड को पूरा बेयर नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हम दो या दो से अधिक सेक्शन को जोड़कर हम लोग एक अधिक सामर्थ्य की सेक्शन को प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग बिल्टअप सेक्शन कहते हैं। अब वो जो बिल्टअप सेक्शन होगा उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेसिंग बार का यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका दो चैनल है इस तरह से, अब इसको हम लोग ब्रेसिंग के माध्यम से, ब्रेसिंग छड़ के माध्यम से जोड़ देंगे। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कह रहा है जो हमारा ब्रेसिंग हम पिछले वीडियो में बताए थे, मान लीजिए ये इसका कुछ इस प्रकार से संयोजन रहता है, ये इस प्रकार से ये सिंगल ब्रेसिंग है, जब इसको हम इस तरह से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डबल ब्रेसिंग कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाता है डबल ब्रेसिंग। हम ये कह रहा है जो ये ब्रेसिंग बार है, ये ब्रेसिंग जो बार दिख रहे हैं इनका तन्यता अनुपात स्लेंडरनेस रेशियो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एस इक्वल टू जो होता है दोस्तों हमारा एल अपान ए, एल जो है आपका इफेक्टिव लेंथ है, के जो है मिनिमम रेडियस ऑफ ड्यूरेशन है। तो यहाँ अगर एल अपान के निकाल रहे हैं तो इसका जो ये आपका बार होता है, लेजिंग बार होता है, वो इतने से कम अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बैटन लगे कॉलम की प्रभावी लंबाई बढ़ा ली जाती है। बैटन क्या होता है दोस्तों, सेम वही होता है जब हम बिल्टअप सेक्शन प्राप्त करते हैं तो क्या होता है उसको हम किसी एंगल पे, जो हमारा लेजिंग बार होते हैं उसको एंगल पे लगाते हैं, लेकिन बैटन को हम लोग किसी एंगल पे नहीं बल्कि 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका कोई दो सेक्शन है,
अब इसको हम लोग इस तरह से बैटन लगा देते हैं। ये कहकर अगर हम किसी कॉलम में बैटन को लगा दिए हैं तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसको कितनी परसेंट हम बढ़ा के ले लेते हैं, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10% हम लोग ले लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको एक लिंक टेलीग्राम का मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेंगे, आपको उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।